आप इसको दो टाइप से कर सकते हो, एक SMS के द्वारा भी कर सकते हो और एक आप इसका वेबसाइट में जाके भी इसको लिंक कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, मैं आप लोगों को दोनों टाइप दिखा देता हूँ इसको कैसे किया जाता है। और फ्रेंड, ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबाना। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड, आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों को लिंक कैसे किया जाता है मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। इसके लिए आपको एक ब्राउजर पर जाना पड़ेगा। मैं गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है www.incometaxindiaevilinggovernment.in। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ www.incometaxindiaevilinggovernment.in। इसके बाद एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपका सामने ऐसा एक पेज आएगा। यहाँ पे आपको जाना है ईफिलिंग होम पेज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपका सामने और एक ऐसा पेज आएगा। यहाँ पे आपको नीचे जाना है। नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए। ये जो आप लोग देख रहे हैं लिंक आधार विथ पान टू ई, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपका सामने ऐसा एक पेज आएगा। यहाँ पे आपको इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक आधार, एंटर द फॉलोइंग डिटेल्स। आपका यहाँ पे डिटेल्स देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पैन नंबर देना पड़ेगा, अपना पैन कार्ड का नंबर, और यहाँ पे आपको आपका अपना आधार कार्ड का नंबर देना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको आधार कार्ड में जो नाम है अपना नाम यहीं पर डाल देना है, और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो चलिए फ्रेंड, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। मैं इस फॉर्म को आप लोगों को फिलअप करके दिखा देता हूँ। मैं पहले इसको फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा। मैं उस फॉर्म को फिलअप कर लिया। अभी यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये जो पेन लिखा हुआ है यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है। मैं पैन कार्ड का नंबर डाल दिया। अभी नीचे आधार कार्ड का नंबर भी डालना है। मैं आधार कार्ड का नंबर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखा है नेम एज पर आधार, अपना आधार कार्ड में जो नाम है उस नाम को यहीं पे डाल देना है। आपको आधार कार्ड में मेरा जो नाम है उस नाम को यहीं पे डाल दिया। इसके बाद आपको नीचे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर देना है। मैं मेरा फ़ोन नंबर डाल दिया। और फ्रेंड, यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो फ़ोन नंबर देगा वो फ़ोन नंबर आपका पास होना चाहिए, क्योंकि उस फ़ोन नंबर पर आपका एक OTP आएगा और उस OTP को नेक्स्ट पेज में डालना पड़ेगा। तो चलिए, मैं यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे टिक मार्क कर देना है। ये दो ऑप्शन है, इसको दोनों को टिक मार्क कर देना है। करने के बाद आपको लिंक आधार पर क्लिक करना है। आप लिंक आधार पर क्लिक कीजिए। मैं लिंक आधार पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पेज खुलने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, आप लोग वेट कीजिएगा। उसके बाद आपका सामने ऐसा एक पेज आएगा। यहाँ पे आपको अपना OTP डालना है। आप OTP डाल दीजिए। मैं OTP डाल लेता हूँ। यहीं पर मैं OTP डाल दिया। उसके बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। मैं वैलिडेट पे क्लिक कर लेता हूँ। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद ऐसा एक मैसेज आएगा, आधार पैन लिंक कंप्लीटेड सक्सेसफुल। आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों लिंक सक्सेसफुल हो गया है। तो फ्रेंड, आप लोग भी ऐसे ही अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों को लिंक कर लीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड, और ऐसा ही नॉलेज वाला वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबाना। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय। और फ्रेंड, आप लोग आधार कार्ड और पैन कार्ड अपना SMS द्वारा भी आप इसको लिंक कर सकते हो। इजी प्रोसेस है, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा इसको कैसे लिंक किया जाता है अपना SMS द्वारा। तो चलिए फ्रेंड आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों को SMS के द्वारा लिंक करने के लिए पहले आपको अपना मोबाइल पे मैसेज बॉक्स पे जाना पड़ेगा, और जाके मैसेज पे लिखना है UIDPAN। उसके बाद आपको
अपना आधार नंबर देना है, आपका आधार कार्ड का नंबर दीजिए, उसके बाद थोड़ा स्पेस दीजिए, स्पेस देने के बाद आप अपना पैन कार्ड का नंबर दीजिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे आप लोगों को फॉर एग्जांपल दिखा देगा, आप लोग देख लीजिए। पहले आपको कैपिटल लेटर में लिखना है UIDPAN, उसके बाद थोड़ा स्पेस देना है, स्पेस देने के बाद आपको आधार नंबर देना है, आधार नंबर देने के बाद थोड़ा स्पेस देना है, स्पेस देने के बाद पैन नंबर डालना है। यहाँ पे नीचे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे लिख दिया मैं UIDPAN, उसके बाद यहाँ पे मैं स्पेस दे दिया, स्पेस देने के बाद मैं यहाँ पे आधार नंबर दे दिया, आधार नंबर देने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस देना है, मैं स्पेस दे दिया, उसके बाद आपको पैन नंबर डालना है, मैं पैन नंबर डाल दिया। और यहाँ पे आप लोग फाइनली देख लीजिए, मैं लिख दिया UIDPAN, थोड़ा स्पेस दे दिया, उसके बाद यहाँ पे मैं आधार नंबर डाल दिया और उसके बाद थोड़ा स्पेस दे दिया, उसके बाद आपको पैन नंबर डालना है, मैं पैन नंबर डाल दिया। और आपको इस SMS को, ये जो दो नंबर देख रहे हैं आप लोग, इस दो नंबर की कोई एक नंबर पे आपको सेंड कर देना है, इस दो नंबर की कोई एक नंबर पे आप लोग सेंड कर दीजिए। और सेंड करने के बाद आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों लिंक हो जाएगा, उसके बाद आपको मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुल का। तो फ्रेंड आप लोग भी ऐसे ही अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कर लीजिए SMS के द्वारा। तो थैंक यू फ्रेंड, ऐसा ही नॉलेज वाला वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।